गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हम देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और उसका प्रॉपर्टीज क्या है। इस चैप्टर 8 से आपका तीन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन जो कल लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। आज हम देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, उसका मेन पार्ट क्या होता है। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो बोलता है द होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहां पर हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जिस तरह हम पीरियोडिक टेबल में सारा एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जितने सारे वेव्स हैं उसको हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में अरेंज करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आज हम देखेंगे, पहले तो समझेंगे यहाँ पर कि जब एग्जाम में आता है तो उसको कैसे हम अरेंज करेंगे। देखिए सनलाइट से जो सन से जो आपका लाइट आता है उसमें अर्थ तक जो लाइट आता है, इसमें तीन तरह का लाइट आता है। एक आता है विजिबल लाइट जो दिखाई देता है, एक होता है इंफ्रारेड और एक होता है आपका अल्ट्रा वायलेट रेज। पहले लोग तीन ही रे को जानते थे, यूवी रे, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड। बाद में और भी रे को खोजा गया जैसे कि एक्स रे और एक और रे खोजा गया गामा रे, और इसे कम फ्रीक्वेंसी का वेव खोजा गया आपका माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो यहां पर जितना भी सारा वेव है उसको एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के बेसिस पे अरेंज किया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब सवाल उठता है कौन सा रे को कहां पर लिखना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पूछता है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने बोलेगा, या तो फिर वेवलेंथ के बेसिस पे आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। यहाँ पर एक सीक्वेंस में आपको अरेंज करना होता है। देखिए बहुत ही आसान है, याद रखना, आपको याद रखना है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली रिलेशन होता है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो आपको सिंपल बात जानना है कि जिस वेव का फ्रीक्वेंसी जितना अधिक होगा उस वो वेव उतना हाईली एनर्जेटिक होगा। इसमें आपको पता है कि ये सारा का सारा वेव गामा रे सबसे ज्यादा डेंजरस वेव है। बोल सकते हैं एक वे में कि जिस वेव का एनर्जी जितना अधिक होगा उतना ज्यादा डेंजरस होगा। सबसे ज्यादा डेंजरस रे आपका गामा रे, उससे कम एक्स रे, उससे कम यूवी रे, उससे कम लाइट विजिबल लाइट, ये आपका एनर्जेटिक उतना अधिक एनर्जेटिक वेव नहीं है। गामा रे जो आपका मिलता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन में या फिर एटॉमिक बम वगैरह जब फटता है उसमें आपको गामा रे मिलता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, जो सबसे कम डेंजरस रे आपका रेडियो वेव। तो फर्स्ट में इसको अरेंज करेंगे, तो फर्स्ट में जो लिखेंगे हम लोग रेडियो वेव्स जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, सेकंड में आपका आ गया माइक्रोवेव, थर्ड में आपका आ गया इंफ्रारेड, रेज, फोर्थ नंबर में आ गया आपका विजिबल लाइट, फिफ्थ नंबर में आपका यूवी रे, का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रे, सिक्स नंबर में आपका आ गया एक्स रेज और सेवन नंबर में आपका आ गया गामा रे, एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, तो हम कुछ नहीं किए यहाँ पर लिखे। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस रे गामा रे है, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कैसे रिलेशन होता है, डायरेक्टली जिस जो जितना ज्यादा एनर्जेटिक रे रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना अधिक रहेगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रे गामा रे है, सबसे कम एनर्जेटिक रे रेडियो वेव है। तो बोल सकते ऊपर से नीचे आने पर मेरा फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मेरा इंक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। और एक बात याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्सली रिलेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी और आपको रिलेशन याद रखना होगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्सली रिलेशन हो सकता है, या फिर इसको हम इस वे में लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा उसका वेवलेंथ उतना अधिक होगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम होता है रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है, मैक्सिमम किसका होता है आपका गामा रे का। तो बोल सकते हैं यहाँ पर जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा उसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, यहाँ पर वेवलेंथ मिनिमम होगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है, जबकि आपका वेवलेंथ जो है डिक्रीज करेगा, तो आपका यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर आपको ये सातों वेव का नाम याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये सब पार्ट्स है, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको सारा वेव सारा पार्ट्स का नाम याद रखने के बाद भी आपसे एक और क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि इसको आप अरेंज कीजिए, जिसे कुछ कुछ क्वेश्चन दे देगा। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है।
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्सली रिलेशन है, तो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा और गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम होगा। उसमें से आपका एग्जाम में क्या करता है, कुछ कुछ वेव को दे देता है, नाम देता है, या उसको बोलता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। जैसे ये आपका फ्रीक्वेंसी के क्रम में ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया ये, मतलब बढ़ते क्रम में। ये वेवलेंथ के बेसिस पे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, कहने का मतलब घटते क्रम में लिखा हुआ है। इसी तरह कुछ कुछ वेव कभी भी क्वेश्चन क्या करता है, कुछ कुछ पर्टिकुलर वेव का नाम लिख देगा। जैसे लिख देगा एक्स रे, यूवी रे, रेडियो वेव और लिख दिया माइक्रोवेव। बोलेगा इसको फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना आपको। तो असेंडिंग ऑर्डर किसमें, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, या फिर बोल देगा वेवलेंथ के टर्म में, आप इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, असेंडिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का लिखना है हमको। तो हम लोग देखेंगे सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है, तो हम यहाँ देखेंगे सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है, रेडियो वेव का, तो लिखेंगे वहां पर रेडियो वेव। उससे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है, माइक्रोवेव का, तो यहाँ पर लिखेंगे माइक्रोवेव। उससे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है, यूवी रे, और फिर सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है यहाँ पर, गामा रे। जो ऑप्शन रहेगा उसी में ढूंढेंगे, अब ऐसा नहीं जो ऑप्शन में नहीं उसको आप ढूंढ रहे हो। वेवलेंथ के बेसिस पे बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले छोटा लिखना आपको, उसके उल्टा हो जाएगा। एक्स रे का वेवलेंथ सबसे कम होगा, उससे आपका अधिक हो जाएगा यूवी रे का, उससे अधिक हो जाएगा माइक्रोवेव का, और उससे अधिक हो जाएगा आपका रेडियो वेव का। ये आपका वेवलेंथ के टर्म में लिखा हुआ है, ये आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा हुआ है, दोनों का दोनों असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये साइन बता रहा है कि रेडियो वेव से फ्रीक्वेंसी अधिक माइक्रोवेव का होगा, उससे अधिक यूवी रे का होगा, उससे अधिक एक्स रे का होगा। जो लास्ट क्वेश्चन इससे आएगा आपका, चार कोई वेव दे देगा, बोलेगा किसका फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम है, या किसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, या वेवलेंथ किसका अधिक है, या फिर वेवलेंथ किसका कम है। इससे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इस चैप्टर से मात्र तीन ही क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे से, और फिर एग्जाम में आप लिख के आइए। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।